नमस्कार, जीवन रास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आई नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सीकर जिला मुख्यालय से है, जहां राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को बुधवार को जिगरबाड़ी में विद्यालय की नाबालिग छात्रा से स्कूल के टीचर द्वारा गलत हरकत करने के प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अध्यक्ष बेनीवाल ने पीड़िता और उसके परिवारजनों से बातचीत की तथा विद्यालय के अन्य छात्राओं से भी घटनाक्रम की वस्तु स्थिति की जानकारी ली। राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि सीकर के ग्रामीण क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्र के साथ स्कूल के पैरा टीचर द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास करने के मामले में राज्य बाल आयोग ने त्वरित संज्ञान लिया हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक से मांगी गई। इसके बाद आज सीकर आकर नाबालिग पीड़ित और उसके परिवारजनों से बारीकी से बातचीत की। साथ ही जिस विद्यालय में नाबालिग पढ़ती है उस विद्यालय के अन्य छात्राओं से भी अलग से बात की गई कि उनके साथ भी शिक्षक द्वारा गलत हरकत करने का प्रयास किया गया या नहीं। बेनीवाल ने कहा कि शिक्षा का मंदिर माने जाने वाले विद्यालय में माता पिता अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उन्हें वहाँ भेजते हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ ऐसी हरकत होना गंभीर बात है जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अध्यक्ष बेनीवाल ने कहा कि विद्यालय में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए राज्य बाल आयोग एक कार्य योजना बना रहा है कि सभी विद्यालयों में ऐसे मामलों के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी और उन्हें जानकारी दी जाएगी कि बच्चियों को गलत नीयत से देखने पर इसकी शिकायत कहां पर दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य बाल आयोग इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन से अपील करता है कि मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश किया जाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामकरण ढाका ने अध्यक्ष बेनीवाल को बताया कि विद्यालय में कुल 7 अध्यापकों का स्टाफ है। विद्यालय में कुल 116 छात्र छात्राओं का नामांकन है। इस दौरान राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शिव भगवान नागा, पीआरओ पूरणमल, बाल संरक्षक इकाई सहायक निर्देशक प्रियंका पारिक, उप निर्देशक राज्य बाल संरक्षण आयोग जयपुर पवन कुमार पुनिया, जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद नहलिया, पीईओ प्रमोद कुमारी मेला, पुलिस उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, विकास अधिकारी धोद सीताराम खारिया, पुलिस उप निरीक्षक सदर सुनील कुमार जांगिड़ उपस्थित रहे। सीकर से साधना सेठी की विशेष रिपोर्ट।